हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा अंधे पंडित की मजेदार कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था जो दोनों आंखों से अंधा था। वह गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन उस गांव में एक सेठ के घर रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के कई पंडितों को भोजन का निमंत्रण दिया गया। इसी प्रकार गांव के बाहर रहने वाले उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रण देने के लिए सेठ ने अपने नौकर को भेजा। जब नौकर पंडित के घर पहुंचा, तो उसने पंडित जी को आवाज लगाई, तो पंडित घर से बाहर आकर बोला, कौन है भाई? नौकर ने अपना परिचय दिया और कहा कि गांव में सेठ के घर एक बड़ी रसोई का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको भी भोजन का निमंत्रण भेजा है सेठ जी ने। पंडित बोला, अच्छा, फिर तो मैं जरूर आऊंगा वहां। नौकर बोला, हाँ पंडित जी, जरूर आप तैयार रहना, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा कहकर नौकर जाने लगा। पंडित ने कहा, हाँ ठीक है भाई, अरे लेकिन यह तो तुमने बताया ही नहीं कि खाने में क्या क्या बनाया है। नौकर रुककर बोला, पंडित जी, सेठ जी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़े है, सब कुछ बनाया जाएगा खाने में। पंडित बोला, अरे मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकर ने कहा, आप चिंता न करें, वहां सब कुछ मिलेगा। खाने में हलवा, पूरी, सेव, नमकीन, बर्फी वगैरह वगैरह। पंडित बोला, हाँ हाँ, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा, मैं वहां पहले भी खा चुका हूँ। नौकर के जाने के बाद पंडित मन ही मन सोचने लगा कि यार वो सब तो ठीक है, परंतु यह अगैरा वगैरह क्या है, यह अब भी समझ नहीं आया। यह तो कोई नया पकवान लगता है इस बार। अगर ऐसा है तब तो मैं जरूर जाऊंगा इस बार, देखूं तो सही कैसा लगता है यह अगैरा वगैरह। शाम होने पर सेठ का नौकर पंडित को खाने पर ले आया और पंडित को एक पंगत पर बैठा दिया। पंडित की जिज्ञासा अब और ज्यादा बढ़ने लगी कि आज तो मजा आ जाएगा नया पकवान अगैरा वगैरह खाकर। पंडित यह सब सोच ही रहा था कि तभी दोना पत्तल लगाकर भोजन परोसा जाने लगा। अब पंडित जी की स्वादेंद्रिया जाग उठी। अब जैसे ही पत्तल में कोई पकवान रखा जाता, पंडित टपाक से उसे छूकर यह जानने की कोशिश करता कि वह क्या है, और सोचता, अच्छा यह तो रसगुल्ला है, अरे यह तो मिठाई है, हाँ यह तो बर्फी है, यह सब तो मैं कई बार खा चुका हूँ, मुझे तो बस वो मिल जाए, अब सबसे पहले तो मैं उसे ही चखूंगा और बाकी सब बाद में। धीरे धीरे पत्तल भरती गई और पंडित इसी तरह सभी पकवानों को उत्सुकता से जांचता रहा, परंतु उसे अब भी इंतजार था उस अनजान और मायावी चीज का, जिसके लिए आज वह पूरे दिन भर नमक का पानी पी पी कर अपनी भूख को बढ़ाता रहा। वो सोचने लगा, आखिर कब आएगा अगैरह वगैरह, पूरी पत्तल भर चुकी अब तो। तभी किसी की आवाज आई कि भोजन शुरू किया जाए। तभी, अरे यह क्या, अभी तो मेरा वो कब लाओगे? पंडित जोर जोर से बुदबुदाने लगा, अरे ऐसा तो नहीं कि किसी ने जल्दीबाजी में रख दिया हो इधर उधर। पंडित अपने दोनों हाथों से उसे ढूंढने लगा। तभी उसने पत्तल के बाहर एक गोल गोल चीज, गोल पत्थर को छुआ तो मन थोड़ा शांत हुआ। हाँ यही होगा शायद, और कितने मूर्ख लोग हैं, खाने की चीज को भी ऐसे ही रख जाते हैं। अब पंडित उस गोल चीज को पाकर बहुत खुश था। तभी उसने सोचा कि यह सब तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले इसका स्वाद लिया जाए कि लगता कैसा है और कैसा स्वाद है इसका। तभी पंडित ने उस अद्भुत चीज को उठाया और जैसे ही मुंह में दबाया तो अरे ये क्या, इतना भारी और कठोर। पंडित ने फिर जोर से दांतों में दबाया तो इस बार मुंह से जोरदार आह निकल पड़ी। अरे भगवान, कितना सूखा हुआ है यह, कैसे खाया जाए इसे, इसे तो दांतों से तोड़ना भी मुश्किल है, अब क्या करे इसका। तभी पंडित को एक उपाय सुझा, लगता है इसे फोड़ना पड़ेगा, हो सकता है इसके अंदर कोई गुठली जैसा आइटम निकले। पंडित को लगा कि सामने कोई दीवार है और शायद उससे टकराने पर उसका वह अगैरा वगैरह फूट जाए, और तभी उसने आव देखा न ताव और सामने दीवार समझकर दे मारा जोर से, कि तभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आए, आह फूट गया रे मेरा तो।
सामने पंगत पर बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्ला उठा, क्योंकि पत्थर की जोरदार चोट से उसका सर फूट गया था। तभी पंडित गुस्से से बोला, ओए खाना मत, यह मेरा आइटम है, फूट गया तो ला वापस दे दे मुझे। पंडित को लगा कि उसका अगैरह वगैरह फूट गया है। तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुस्से से बोला, हाँ जरूर रुको महाराज, अभी देता हूँ आपको। और फिर सामने वाला आदमी टूट पड़ा पंडित पर। धन्यवाद दोस्तों।